हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने मटर दाल बनाया है। आप भी इस तरह बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। कढ़ाई में बनाइएगा, कुकर में नहीं, कुकर में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। चलिए आपको बताते हैं किस तरह ये बनाया जाता है। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। देखिए, मटर दाल के लिए हमने मटर ले लिए हैं, टमाटर बारीक कट कर लिए हैं, दाल ले लिए हैं एक कटोरी, मिर्ची और लहसुन कट कर लिए हैं और बारीक काट लिए हैं प्याज। इन सबको हम दाल में डालेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हमने सरसों डाल दिया। आप इसके जगह पे जीरा भी डाल सकते हो। और ये देखिए कड़ी पत्ता, इसे हमने बारीक एकदम कर लिया है। ये हो गया, इसमें लहसुन मिर्ची डाल दी है। इसके साथ में प्याज डाल देंगे। ये हो गया, इसमें टमाटर डाल देते हैं इस तरह से। देखिए, हमने सब मिक्स कर दिया है। इसमें हम मटर डाल देंगे इसी समय। ये देखिए, इसे डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, इससे क्या जल्दी ये पक जाएगा। ये देखिए, इस तरह दाल डाल देंगे इसमें। इस तरह से दाल को भूलेंगे, उसके बाद ही इसमें डालना है। इस तरह से डाल के अभी से हम मिक्स कर देते हैं। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। एक मिनट के बाद हम इसमें सब मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए, ये हो गया, इसमें हम मसाला डाल देते हैं। आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे इसमें, धनिया पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे जो हमने घर में बनाया हुआ है। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमने एक कटोरी दाल लिया है तो हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। यह खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ऐसे जरूर बनाएं, आपको भी अच्छा लगेगा, खाने में पसंद आएगा आपको। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। चलिए, हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमने इसमें आधा चम्मच नमक पहले से डाल के रखा था, इसलिए हम आधा चम्मच नमक और भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आधा हमने पहले से डाल के रखा है। देखिए, हो गया, बस इसमें नमक डाल के मिक्स करके फिर इसको ढक देते हैं। लिए 15 मिनट के लिए आप इसे ढक के छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। देखिए, ये हो गया है, गैस कर दे रहे हैं बंद। इस पर धनिया पत्ती डाल देते हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी। ये हो गया हमारा मटर दाल, हमारा बन गया। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल भी गया है इस तरह से, बहुत ही टेस्टी आता है। देखिए, हमारा मटर दाल बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए मटर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।